चलिए आज इस वीडियो में इस टाइप के फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो के शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग इस टाइप के फोटो एडिटिंग सीख पाएगा। ये देखिए फोटो कितना वाइट हो चुका है, अब ये देखिए इसका ओरिजिनल फोटो कितना ब्लैक था, देख लीजिएगा इस, और इसका फोटो एडिट करने के बाद कितना वाइट हो चुका है। अगर आप लोग इस टाइप की एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमको फॉलो कीजिए, इस टाइप की एडिटिंग आप लोग 100% सिखा दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के जिस फोटो को एडिट करना है तो उस फोटो को शेयर कर लीजिएगा स्नैपशीट के अंदर। ये रहा स्नैपशीट, टूल्स वाले ऑप्शन में आना है, ट्यून इमेज में ब्राइटनेस प्लस कीजिएगा गाइस, कुछ इतना, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस कीजिएगा और माइनस को प्लस, हाईलाइट को माइनस, शेड को प्लस। इसके बाद देखिए गाइस हम लोग का फोटो एक बार बिफोर एंड आफ्टर, ये देखिए कितना लाइट आ चुका है, देखिए हम लोग का फोटो कितना ब्लैक था अभी कितना लाइट आ चुका है। चलिए राइट क्लिक करते हैं, फिर टूल्स वाले ऑप्शन में आते हैं, डिटेल वाले ऑप्शन में इस ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा और ऊपर कीजिएगा तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद राइट क्लिक कीजिएगा, टूल्स में आना है, सेलेक्टिव वाले ऑप्शन में अभी इस टाइप से एक बार लाइट मार लीजिएगा अपने चेहरे में, ब्राइटनेस को प्लस कीजिएगा, सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस, प्लस वाले में क्लिक कीजिएगा, जहाँ जहाँ आप लोग का ब्लैक फोटो रहेगा वहाँ वहाँ इस टाइप से लाइट मार लीजिएगा, ब्राइटनेस को ज़्यादा करना है, सैचुरेशन को कम करना है माइनस। इसके बाद देखिएगा इस हम लोग का फोटो कितना ही चेहरा में लाइट आ गया है। फोटो को शेयर कर लेना है लाइट रूम के अंदर, ये रहा गाइस लाइट रूम, ऊपर से नोटिफिकेशन गिर जाएगा उसमें क्लिक करना है। इसके बाद ऑल फोटो में क्लिक कीजिएगा, आपका फोटो लाइट रूम में ओपन हो चुका है। चलिए लाइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा, फर्स्ट वाले को प्लस कर दीजिएगा, सेकेंड वाले को प्लस कर दीजिएगा 10 लगभग, और हाई लाइट को पूरा माइनस कर दीजिएगा, शेडो को प्लस कर लीजिएगा 20 लगभग। इसके बाद भी इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा प्लस कर दीजिएगा, इस वाले ऑप्शन को देख लीजिए माइनस कर दीजिएगा 20। चलिए कलर वाले ऑप्शन में आना है, मिक्स टूल में आना है, सेकंड कलर में आना है, आप लोग के जितना वाइट चाहते हैं गाइस चेहरा उतना यहाँ से वाइट कर लीजिएगा, ये देखिए वाइट हो चुका है, आप लोग जितना वाइट रखना चाहते हैं उतना आप लोग माइनस 30 कर दीजिएगा। येलो कलर में आना है, इसका भी सिचुएशन को प्लस कर दीजिएगा, इसको भी प्लस कर दीजिएगा, कुछ इतना प्लस कर दीजिएगा 90, इसका हाई को कुछ प्लस कर दीजिएगा 7। ग्रीन वाले कलर में आना है, इसको भी कुछ सिचुएशन को प्लस कर दीजिएगा, इसको भी कुछ प्लस कर दीजिएगा, इसको भी कुछ प्लस। ये देखिए गाइस बिफोर एंड आफ्टर हम लोग का फोटो कितना ही हार्ड एडिटिंग हो गया है बैकग्राउंड। चलिए इस वाले ऑप्शन में आना है, इस वाले ऑप्शन को माइनस कर देना है, इस वाले ऑप्शन में आना है, सब ऑप्शन को माइनस माइनस कर देना है। ये देखिए हम लोग का फोटो कितना अच्छी तरह लाइट आ गया है, बैकग्राउंड भी अच्छी तरह से एडिट हो गया है। चलिए इस फोटो को इसको भी माइनस कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट कलर में आना है, इसको प्लस कर दीजिएगा, इसको माइनस, इसको प्लस कर दीजिएगा। इसके बाद देख लीजिएगा इस डन कीजिएगा। इसके बाद इफेक्ट वाला ऑप्शन में आना है, टेक्सचर को प्लस कर दीजिए और क्लियरिटी को प्लस कर दीजिएगा 10, विग्नेट को थोड़ा सा माइनस कर दीजिएगा। इसके बाद इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। डिटेल वाले ऑप्शन में आना है, फर्स्ट नंबर को प्लस कर दीजिएगा 60 कर दीजिएगा, मिक्सिंग को थोड़ा सा प्लस कर दीजिएगा, कलर नॉइस को भी प्लस कर दीजिएगा 30 लगभग, और कॉन्ट्रेस्ट को भी थोड़ा सा प्लस कर दीजिएगा, इसको भी प्लस कर दीजिएगा, ये लास्ट वाले ऑप्शन को 100 में 100 कर दीजिएगा। ये देखिए गाइस हम लोग का फोटो कितना ही हार्ड बन चुका है, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इस वाला ऑप्शन में आइएगा, ये दोनों ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए इस फोटो को ले चलते हैं स्केच बुक के अंदर, शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, शेयर टू कर देना है, कुछ प्रोसेसिंग लेगा। चलिए स्केच बुक ये रहा, स्केच बुक में शेयर कर देना है। ये देखिए गाइस हम लोग का फोटो स्केच बुक में ओपन हो चुका है। चलिए फेस स्मूथ करना सिखाते हैं आज के वीडियो में, बहुत ही गर्दा, तो इसलिए शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप लोग इस टाइप के फोटो एडिटिंग सीख पाइएगा। चलिए सबसे पहले ब्रश वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, लाइब्रेरी में क्लिक कीजिएगा, अब इस वाले ब्रश को ले लीजिएगा, इसका सेटिंग देख लीजिएगा, इस साइज को अपने हिसाब से रख लीजिएगा, अब इसका सेटिंग देख लीजिएगा, इस स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिएगा, और इस टाइप से ब्रश आप लोग को चलाना है। सबसे पहले इस वाला पार्ट में ऐसे ऐसे चलाइएगा, देख रहे हैं कितना हार्ड स्मूथ हो रहा है, ये जो ऊपर का भाग है इस टाइप से चलाइएगा, साइज को अपने से कम बेसी करके गाइस, ये देखिए इस टाइप से चलाइएगा, फेस कितना ही हार्ड स्मूथ हो रहा है गाइस।
देखिए साइज को अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसके बाद इस वाला पार्ट में आना है, इस वाला को भी ऐसे ऐसे एडिट करना है। मोच कैरी आप लोग भी कर लीजिएगा। वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस हम लोग का फेस स्मूथ हो गया है। चलिए क्लियर बना लेते हैं। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, प्लस वाले में क्लिक करना है, क्लियर में क्लिक करना है, नॉर्मल जहां लिखा रहेगा उसमें क्लिक कीजिएगा। यहां से सॉफ्ट लाइट कर लीजिएगा, फिर क्लियर में क्लिक कीजिएगा और कलर यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग को जिस कलर लिप्स में अच्छा लगेगा इस कलर को यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। फिर ब्रश वाले ऑप्शन में आना है, लाइब्रेरी में आना है। इस वाले ब्रश को सेटिंग देख लीजिएगा, आप लोग अपने हिसाब से साइज को रख लीजिएगा और इस टाइप से ब्रश चला लीजिएगा। गाइस क्लियर वाले ऑप्शन में ना है, इस ओपेसिटी को पूरा कम कर देना है, जितना आप लोग का अच्छा लगेगा उतना कर दीजिएगा। ये देखिए गाइस जहाँ तहाँ पूरा ब्लैक फोटो है, ये देखिए इस टाइप जगह कितना ब्लैक है। चलिए ब्लैक फोटो को भी आप लोग भी स्मूथ करते हैं तो इस टाइप का हो जाता है। आज के वीडियो में इस टाइप का फोटो को कितना हार्ड बना सकते हैं गाइस, ये पता आप लोग का भी नहीं है। चलिए इस फोटो को ले चलते हैं फोटो रूम के अंदर। यहाँ से थ्री डॉट में क्लिक करते हैं, शेयर वाले ऑप्शन क्लिक करते हैं, इस फोटो को सेव टू डिवाइस कर लेते हैं। और चलिए इस रहेगा इस फोटो रूम, कुछ इसका डाटा ऑन कर लीजिएगा तभी ये ऐप्स वर्क करता है। इसके बाद इस प्रकार से इसका इंटरफेस खुल जाएगा। प्लस वाले में क्लिक करना है, जो फोटो को स्केचबुक में सेव किए थे उस फोटो को यहाँ पर ले लेना है। तो कुछ इस टाइप की प्रोसेसिंग लेगा, देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। नीचे आना है, अब नीचे फोटो एडिटिंग क्लासिक लिखा होगा, इस ब्लर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। बैकग्राउंड में क्लिक करना है, ब्लर वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद इस वाले को सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेकेंड नंबर को। आप लोग जिन्हें जितना ब्लर चाहते हैं गाइस यहाँ से उतना आप लोग ब्लर रख लीजिएगा। ये देखिए चलिए इतना रख लेते हैं। इसके बाद डन करना है। चलिए इस फोटो को सेव कर लेना है और ले चलना है पिक्सआर्ट के अंदर। ये देखिए गाइस हम लोग का फोटो सेव हो चुका है। तो चलिए इस फोटो को पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करते हैं। जिस फोटो को फोटो रूम में सेव किए थे उस फोटो को पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करना है। देखिए गाइस आइकन है फोटो रूम का, इसको हटाने के लिए ऐड फोटो में जाते हैं और जो लाइट रूम में फोटो सेव कर लीजिएगा, लाइट रूम वाला फोटो सेव किए होंगे उस फोटो को यहाँ पर ले लीजिएगा इस टाइप से। अभी इरेजर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, इंसल्ट वाले में इस टाइप से चला दीजिएगा। ये देखिए ओरिजिनल आप लोग आ जाएगा, इस टाइप से आप लोग भी कर लीजिएगा जिधर जिधर आप लोग का चाहिए। देखिए गाइस मेरा फोटो सेट हो चुका है। इस वाले ऑप्शन में आना है, ओपेसिटी को पूरा कम कर लेना है और इस वाले पार्ट में जैसे इस वाले पार्ट में ब्लर आप लोग भी कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ छूटा होगा वहाँ इस टाइप से आप लोग भी, ताकि देखने में रियल फोटो लगे। इस टाइप से आप लोग भी कर लीजिएगा। देखिए हम लोग का फोटो कितना ही हार्ड लग रहा है। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक और जो चेहरा में ब्लैक है गाइस उसको हटाने के लिए पिक्सआर्ट ऐप बता रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। चलिए सबसे पहले पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं। यहाँ से आप लोग डाटा ऑन कर लीजिएगा, स्किन टोन में क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग जीवन जितना वाइट फेस रखना चाहते हैं यहाँ से भी रख सकते हैं। ये देखिए ऊपर प्रोसेसिंग चल रहा है कुछ, ये देखिए ऊपर भर गया है कुछ, इस टाइप से इंटरफेस आएगा। ये देखिए पूरा हट गया ना ब्लैक, इसका सिचुएशन को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। फिर राइट क्लिक करना है, स्मूथ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, इस वाले में क्लिक करना है। इसके बाद कुछ प्रोसेसिंग मैंने देखिएगा इस इसको भी 100 में 100 कर देना है। ये देखिए ऊपर भी फेस कितना बेकार दिख रहा है। आप लोग भी एडिट करते हैं तो इसी टाइप का एडिट हो रहा होगा गाइस। इसके बाद राइट क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक कीजिएगा, फिर टूल्स वाले में आना है, रिसाइज चलिए हम लोग कर लेते हैं फोटो के, ताकि HD क्वालिटी में बनाते हैं। कुछ भी आप लोग टाइप कर दीजिएगा 4 अंक। इसके बाद रिसाइज वाले में क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए 28 28 आया है, यहाँ पर 28 28 कर लीजिएगा। इसके बाद रिसाइज में क्लिक कीजिएगा,
देखिए हम लोग का फोटो HD हो चुका है। एक PNG का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले टेक्चर वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पर लाइट PNG सर्च कर लीजिएगा। इस टाइप से सर्च कर लीजिएगा, डाटा बनाना चाहिएगा इस वाले लाइट को ले लीजिएगा। इस बिल्डिंग वाले ऑप्शन में आना है, स्क्रीन आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ इस टाइप से लगा दीजिएगा। इसके बाद रिमूव वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ से बैकग्राउंड कर दीजिएगा, इफेक्ट वाले बैकग्राउंड में चला जाएगा। इसके बाद राइट क्लिक करना है, ऐड फोटो में आना है, यहाँ से एक PNG का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ये वाला PNG। इसके बाद इधर बिल्डिंग वाले ऑप्शन में आना है, स्क्रीन कर देना है, यहाँ पर इस टाइप से लगा दीजिएगा। इस टाइप से लगाने के बाद एडजस्ट वाले में आना है, इसका देखिए इस वाले कॉन्ट्रेस्ट वाले ऑप्शन में आना है, इसको प्लस कर दीजिएगा। इस वाले में आना है, इसको पूरा प्लस कर दीजिएगा। ये देखिए हम लोग का कुछ इस टाइप के हो जाएगा PNG। चलिए राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, और चलिए इस फोटो को सेव कर लीजिएगा और ले चलिएगा रिमेनिंग ऐप्स के अंदर। ये रहा गाइस रिमेनिंग ऐप्स, आप लोग भी ओपन कर लीजिएगा। ये देखिए गाइस कुछ रिमेनिंग ऐप्स ओपन कीजिएगा तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इस वाले में क्लिक करना है, जो फोटो पिक्सआर्ट में सेव किए थे उस फोटो में क्लिक करना है। ऊपर वाले में कुछ एक ऐड आएगा, ऐड आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए गाइस तो ऊपर भी फोटो इस टाइप का है, इस वाले को इस टाइप खसकाइएगा। ये देखिए कितना हार्ड स्मूथ हो गया है, एक भी फट नहीं रहा है। तो आप लोग भी इस टाइप के फोटो को जो यहाँ पर ब्लैक आ रहा है वहाँ पर रिमेनिंग ऐप्स में लाने के बाद इस टाइप के इतना हार्ड स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। चलिए इस फोटो सेफ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, सेव कर लेना है यहाँ से, और एक ऐड आएगा, ऐड आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए गाइस हम लोग का फोटो सेफ हो रहा है। तो चलिए इस फोटो को ले चलना है टूलविज ऐप्स के अंदर। ये देखिए टूलविज ऐप्स ओपन होगा तो इस प्रकार के कुछ इंटरफेस आएगा। प्रो एडिटिंग में क्लिक करना है, जिस फोटो को रिमेनिंग ऐप्स में सेव किए थे उस फोटो को ले लेना है। ये रहा गाइस इफेक्ट वाले में क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। आप लोग यहाँ से आप लोग जितना वेल पेंट चाहते हैं गाइस इस टाइप से रख लीजिएगा। चलिए 5 रखते हैं, और इस वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, यहाँ से क्लीन कर दीजिएगा। इसके बाद क्लीन कर दीजिएगा यहाँ पर, और इस टाइप से अपने जिधर जिधर आप लोग का वेल पेंट चाहिए उधर उधर आप लोग इस टाइप से ब्रश कर लीजिएगा। हेयर में भी चला लीजिएगा। देखिए हम लोग का फोटो कितना ही धासु दिख रहा है। चलिए इस फोटो को सेव कर लेते हैं, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग भी सेव कर लीजिएगा। और इस फोटो को ले चलते हैं लाइटरूम के अंदर। चलिए हम लोग फोटो सेव करके गैलरी में आना है। ये रहा गाइस टूलविज में जो फोटो सेव किए थे उस फोटो को सेव कर लेना है लाइटरूम के अंदर। ये रहा लाइटरूम, ऊपर से नोटिफिकेशन गिर जाएगा उसमें क्लिक करना है। ये देखिए हम लोग का फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुका है। सबसे पहले कलर वाले ऑप्शन में आते हैं, इस कलर को फोर कर दीजिएगा, इसको एड कर दीजिएगा, इसको फोर कर दीजिएगा, इसको -4 कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ इस टाइप का फोटो हो जाएगा। इन मिक्स टूल में आना है, सेकेंड कलर में आप लोग चेहरा को जितना वाइट रखना चाहते हैं गाइस उतना वाइट कर सकते हैं। देखिए और रेड टूल लेना है, इस वाले को डाल दीजिएगा पूरा। देखिए हम लोग का फोटो इस टाइप के बन के रेडी हो चुका है, जितना पर रखते हैं। फिर डन क्लिक करना है, कुछ डिटेल वाले ऑप्शन में है, इसको कुछ +50 कर देना है। फिनिश वाले को भी प्लस कर देना है, नॉइस रेजिस्ट्रेशन को भी प्लस कर देना है, कॉन्ट्रेस्ट को भी थोड़ा सा प्लस, कलर नॉइस को भी थोड़ा सा प्लस। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को 100 में 100 कर देना है। ये देखिए गाइस हम लोग का फोटो बन चुका है बिफोर एंड आफ्टर, कितना ही हार्ड स्मूथ हो गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।